आप देख पा रहे हैं गांधी ग्राउंड से सीधा दृश्य, जहां आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हमारे नोडल अधिकारी अजीत जी भट्ट से निवेदन कर रहा हूँ कि अतिथि को एक बार स्वागत करें डॉक्टर अजीत जी भट्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में बधाने को हमारे मुख्य अतिथि माननीय पर्यावरण मंत्री हेमंत जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद महोदय श्री मन्नालाल जी रावत साहब, हमारे ग्रामीण के विधायक भोज सिंह जी मीणा साहब, जिलाधीश महोदय एंड पधारे हुए सभी अतिथि और सभी योगार्थी, आप सब स्वयं हम समाज के लिए योग के थीम के आधार पर आप सब यहाँ पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आप स्वयं योग करें और समाज को योग कराएं और नियमित ये अपने योग को अपने दिनचर्या में अपनाएं और हमेशा स्वस्थ रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ में आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। मैं कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं सन कॉलेज की डॉक्टर सुभा सुराणा से निवेदन करूंगा कि वे प्रोटोकॉल का जो कार्यक्रम है उसके इंस्ट्रक्शन है कुछ, उसके बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा साथ में फिक्स। तो मैं डॉक्टर सुभा सुराणा जी को मंच देता हूं। डॉक्टर सुभा सुराणा साहब, धन्यवाद सर। नमस्ते, मैं इस कार्यक्रम के प्रभारी मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक बार मंच पर बैठे और आपका आशीर्वाद हमको प्रोत्साहन मिले। आप बधाई एक बार जोरदार ताली स्वागत करें सरकार। हेमंत जी मीणा हमारे प्रभारी मंत्री उदयपुर में गए और इनका उदयपुर जनता की ओर से इतनी जुटता चलो स्वागत करें और इनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे और उदयपुर जनता को योग सिटी बने इसके लिए भी आशीर्वाद चाहिए आपका और सभी से जो भी हमारे बीच में मंत्रीगण बधाई इनसे भी निवेदन करूंगा। उदयपुर में एक योग नई सिटी बने और योग के लिए हम एक सर्कल चाहते हैं उदयपुर के लिए एक योग सर्कल बने जिसमें सन का जो सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम हो वो भी हम सभी मंत्रियों से निवेदन करेंगे, वो इसमें आप घोषणा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उदयपुर योग में सिटी बने मंत्री महोदय सबसे पहले मैं आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जीवन में योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है। इस योग के माध्यम से अपन सब योग करके तनाव मुक्त रह के जीवन को पूरी तरह से सफलतापूर्वक जी सकते हैं। योग में असाध्य रोगों का भी इलाज है, परंतु पहली प्राथमिकता यह है कि योग में निरंतरता होनी चाहिए। निरंतर योग करने से सभी बीमारी और शरीर में जो ताकत की आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है। ऋषि मुनियों के माध्यम से सदियों से योग चलता आ रहा है, परंतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सीमित दायरा था उसका विस्तार योग दिवस के माध्यम से पूरे विश्व में किया है और योग की महिमा, योग का चमत्कार और योग के माध्यम से जो असाध्य रोगों का इलाज हो रहा है वो पूरी दुनिया को पता पड़े, इस माध्यम से भी योग दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी
योग करने वाले और योगाचार्य सभी से मेरा यही निवेदन है कि निरंतरता इसकी पहली प्राथमिकता है। और क्योंकि मुझको भी 7-8 साल हो गए प्राणायाम के माध्यम से, मेरे शुगर है उसको पूरी तरह से नियंत्रण करने का काम योग के माध्यम से हुआ है। शुरुआत जब बाबा रामदेव जी ने की थी और इस योग को जो केवल ऋषि मुनियों के तक सीमित था, उस योग को सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने का काम बाबा रामदेव जी के माध्यम से हुआ। इसी प्रकार पूरे विश्व में योग दिवस और योग की जो प्रसिद्धि है उसको पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आप सबको इस योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और एक ही बात कहना चाहता हूं कि निरंतरता आवश्यक है। आपको परिणाम की अगर आवश्यकता है तो निरंतर करें, कम से कम 90 दिन से पहले, क्योंकि मुझे पता है 5 दिन योग किया और वेट मशीन पे पहुंच जाते हैं कितना वजन घटा। 5 दिन में नहीं होगा, 90 दिन से पहले किसी भी चीज का आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। 90 दिन तक निरंतर करेंगे तो आपको परिणाम मिलना तय है, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। तो आप इस समय यही कहना चाहता हूँ कि योग के माध्यम से जो ऋषि मुनियों की जो विधा थी, जो विलुप्त होने की स्थिति में थी, परंतु माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको पूरे विश्व में विख्यात किया, इस चीज को घर घर तक पहुंचाने का काम अपनी जिम्मेदारी भी है। इसलिए मैं आप सब से ये कहना चाहता हूँ, योग इस पूरी अभी की जो परिस्थितियां हैं उससे निपटने के लिए योग के माध्यम से अपन सफल हो सकते हैं। यही कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।